अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम पीपीएससी और एफपीएससी के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। उन लेक्चर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। आज का ये हमारा स्टूडेंट लेक्चर नंबर 5 है, तो इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्शन फ्रॉम आर टू आर। इसमें हमारे पास पहला क्या है कि फंक्शन हमारे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लस वन। उसके बाद हमारा बी क्या है, ऑप्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। उसके बाद सी क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस टू। डी क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। ये हमारे पास स्टूडेंट फंक्शन दिए गए हैं और इसमें हमने बताना है कौन सा फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। ठीक है, कौन से यूज़ करेंगे टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं पैराबोला का। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, राइट। यानी कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हमारे पास वन वन होगा अगर वो जब उस पर हम एक लाइन ड्रा करें तो वो लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट ना कर सके। यानी कि अगर हम उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट को कट ना करें, तो देन वो फंक्शन जो होता है वो वन वन होता है। लेकिन ये फंक्शन जो है इज़ नॉट वन वन, नॉट वन वन, राइट। ये वन वन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स को कट कर रही है लाइन। कोई भी फंक्शन वन वन होगा जब लाइन जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट को, कर्व के एक ही पॉइंट को कट करे। तो ये हमारे पास जो लाइन है वो कर्व के दो पॉइंट्स को कट कर रही है। इट मीन्स दैट ये जो फंक्शन है हमारे पास एक्स के इज नॉट वन वन, राइट। इसी तरह जब हम फंक्शन हम ड्रा करते हैं, जब हमारे पास फंक्शन हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ क्या आएगा, इसका ग्राफ आएगा इस तरह से, राइट। और अब इसकी जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, चाहे यहाँ ड्रा कर लें, यहाँ भी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, इसी तरह यहाँ पर अगर हम ड्रा करते हैं यहाँ पर भी एक ही पॉइंट को ये लाइन कट करेगी कर्व के। इट मीन्स दैट कि ये जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब, ये हमारे पास वन वन है, राइट। ये वन वन के साथ ये ऑन टू भी है, लेकिन कोई भी फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव होता है जब हमारे पास वो वन वन भी हो और उसके साथ ऑन टू भी हो। इट मीन्स दैट ये जो हमारे पास फंक्शन है ये हमारे पास वन वन नहीं है। अगर वन वन नहीं है तो इट मीन्स दैट कि यहाँ से कहेंगे ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बाइजेक्टिव के लिए वन वन और उसके साथ ऑन टू होना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर हम कहेंगे जिस जिस के अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है उसके अंदर वो फंक्शन जो है वो हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो वन वन नहीं है। इट मीन्स दैट यहाँ पर हमारे पास एक ही ऐसा फंक्शन है जो हमारे पास एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो कि हमारे पास क्या है, एक वन वन है और उसके साथ क्या है, बाइजेक्टिव है। ये तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट एम सी क्यूज था। इसके बाद हम सेकेंड एम सी क्यूज देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, सेकेंड एम सी क्यूज क्या है हमारे पास स्टूडेंट, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन ओवर जेड इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इन द रीजन। क्या हमारे पास फंक्शन दिया गया है वन ओवर जेड, इसको हमें बताना है कि किस रीजन के अंदर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन होता है जब वो क्लोज हो और बाउंडेड हो, जब वो क्लोज हो और बाउंडेड हो। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास इंटरवल दिया गया है ये हमारे पास क्या है, क्लोज और बाउंडेड नहीं है। इट मीन्स दैट ये जो इस इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन है एफ वन ओवर जेड, ये इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, राइट। यानी कि हमारे पास ये जो ओपन इंटरवल दिया गया है जीरो से लेकर वन, इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन जो है इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज था। इसके बाद हम थर्ड एमसीक्यूज देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, एमसीक्यूज क्या है हमारे पास, एमसीक्यूज 3। इसमें क्या कहा जा रहा है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 3i इज, पहला क्या है इसका ऑप्शन, एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 3i। उसके बाद बी क्या है हमारे पास, एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट जेड इज इक्वल 0।
इसके बाद सी क्या है, एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू -3i, और लास्ट डी क्या है हमारे पास, एनालिटिक एवरीवेयर। अब स्टूडेंट हमारे पास जब भी कोई फंक्शन दिया जाता है कि अब उसको हमने चेक करना है कि वो एनालिटिक है या नहीं, तो उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सी आर इक्वेशन। अगर उसके अंदर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे वो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये जो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, इसके अंदर हम सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएंगे, यानी यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और उसके बाद यू वाई इज इक्वल टू -vx। ये हमारे पास क्या है, सी आर इक्वेशन है, क्या है, सी आर इक्वेशन है। और आप इसको ठीक है इक्वेशंस, राइट, मैंने आपको हिंट दे दिया है कि हम इसके अंदर जब अप्लाई करेंगे इसको सी आर इक्वेशन, तो इसके अंदर सी आर इक्वेशन क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। तो इस वजह से ये फंक्शन जो है हमारे पास एनालिटिक है एवरीवेयर, ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा एवरीवेयर, राइट। तो इसके अंदर ये सी आर इक्वेशन जो होंगी वो सेटिस्फाई हो रही होंगी, राइट, इसको आपने चेक करना खुद स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास ये एमसीक्यू 3 था। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारे पास, एमसीक्यू नंबर 4। इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ सी इज द सर्कल, सर्कल में दिया गया जिसमें हमारे पास जेड मॉड वैल्यू जो है इज इक्वल टू 3, देन हमारे पास क्लोज इंटीग्रल 1/1 z² dz इज इक्वल टू, हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें रेडियस दिया गया जेड मॉड की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, सर्कल, सर्कल ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या है 3। सबसे पहले 1/z² 0 इसको हम, यानी इसके हम सिंगुलरिटी फाइंड कर रहे हैं कि जिस जिन पर ये फंक्शन जो है अनडिफाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो वो फाइंड करते हैं, ये हमारे z² इज इक्वल टू -1, यहाँ से हमारे पास z इज इक्वल टू +i आ जाएगा, यानी इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइन है, यानी ये सिंगुलर पॉइंट है। हमें एक सर्कल दिया जा रहा है, सर्कल जिसका रेडियस क्या है, एक सर्कल दिया जा रहा है जिसका रेडियस हमारे पास क्या है जेड मॉड इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं बाहर, सर्कल से बाहर लाई कर रहे हैं, तो बाय काशी गोसेट थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे इंटीग्रल की वैल्यू है ये क्या जीरो होगी। एक मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई भी फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो जीरो होती है जब उसके पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल से बाहर लाई कर रहे हों, राइट, कि वो फंक्शन एनालिटिक भी हो आउट लाई कर रहे हैं आउटसाइड द सर्कल, राइट, यानी जो रीजन दिया गया उस रीजन से अगर बाहर लाई कर रहे हैं तो देन वो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो है। लेकिन अगर इसी, यानी कि यही जो हमें रीजन दिया गया है, अगर इसके अंदर पॉइंट लाई करते या इसके ऊपर लाई करते तो देन हम काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज करते, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड करते हम, राइट। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो रीजन से बाहर लाई कर रहे हैं, इस वजह से इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू वो जीरो होगी, राइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन है स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका 4 एमसीक्यूज था। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है हमारे पास स्टूडेंट, हमें सीरीज दी गई है, द सीरीज समेशन एन फ्रॉम 0 से लेकर इन्फानाइट एन पावर आई ओवर 2i पावर एन इज, ये हमें सीरीज दी गई। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, पहला ऑप्शन कन्वर्जन, दूसरा क्या है एब्सोल्यूटली कन्वर्जन, तीसरा हमारे पास क्या है डाइवर्जेंट, और डी हमारे पास क्या है 4 इसका नन ऑफ दीज। ये हमें सीरीज दी गई है और इसमें बताना है कि ये सीरीज हमारे पास है कन्वर्जेंट है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास कौन से इसमें टेस्ट यूज करेंगे, इसमें हम रेशियो टेस्ट यूज करेंगे, राइट, यानी लिमिट एन अप्रोच टू इन्फानाइट, ये हमारे पास आ जाएगा इसमें a n + 1/a n टेस्ट अप्लाई करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको 2i वैल्यू आएगी, जब इसका मोड लेंगे तो ये 2 आ जाएगा जो ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। यानी कि ये जो सीरीज है ये हमारे पास क्या है, एक डाइवर्जेंट सीरीज है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है। कोई भी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी जब उसका वैल्यू जो है 1 से लेस होगी, ये हमारे पास कन्वर्ट, लेकिन ये 1 से ग्रेटर है। इसको आप सॉल्व करें, खुद इसको सिंप्लीफाई करना है, ये मैंने आपको रिंट दे दिया, इसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर वैल्यू रखनी है और उसके अकॉर्डिंग आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास 2 आएगा और जो कि 1 से ग्रेटर है, राइट। तो सो हमारे पास गिवन जो सीरीज है ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका 5 एमसीक्यूज था। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं वो क्या स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट एमसीक्यू 6। इसमें क्या कहा जा रहा है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द साइन दैट इज, पहला हमारे पास क्या है आर इज इक्वल टू इन्फानाइट, बी क्या है हमारे पास आर इज इक्वल टू 0, सी क्या है हमारे आर इज इक्वल टू 1, डी क्या है हमारे पास आर इज इक्वल टू। ये हमें साइन
हाइपरबोला एक फंक्शन दिया गया जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो साइन फंक्शन हाइपरबोला फंक्शन का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो हमारे पास इन्फाइनाइट होता है, लेकिन आपने अगर इसको फाइंड करना है थ्रू मैथड तो इसके लिए आप रेशियो टेस्ट यूज करेंगे। रेशियो टेस्ट से आप फाइंड कर सकते हैं इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो हमारे पास इन्फाइनाइट आएगा, राइट। जब हम इसको ओपन के साइन हाइपरबोला का जो फार्मूला होता है वो समेशन एन फ्रॉम जीरो से लेकर इन्फाइनाइट, ये हमारे पास z पावर 2n+1/2n+1, इसके अंदर आप रेशियो टेस्ट यूज करेंगे और वहां से आप फाइंड कर सकते हैं इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो इन्फाइनाइट आएगा, राइट। तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ए है स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका 6 MCQs था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट MCQs क्या है स्टूडेंट हमारे पास, 4 मैरिड कपल्स है अबाउट 8 seats in a concert, in how many different ways they can be seated if each couple is together? हमारे पास 4 couple जो हैं, यानी 4 couple जो हैं married couple, वो उन्होंने 8 seats buy की हैं इन concert के अंदर, in how many different way, यानी कितने मुख्तलिफ वे के अंदर दे कैन बी सीटेड, उसको यानी वो बैठ सकते हैं, सीटेड हो सकते हैं, इफ़ ईच कपल इज टुगेदर, अगर वो हर कपल जो है आपस में इकट्ठे हों तो। इसमें स्टूडेंट हमारे पास जो इनके पास 4 couple हैं तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर 4 पास, राइट, इसके और हर कपल जो है इंटरचेंज हो सकते हैं, राइट। इट मीन्स दैट इसके पास 2 फिक्टोरियल यानी इसके पास यानी इंटरचेंज हो सकते हैं 4 वे, इसी तरह 4 वे हैं तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 384, राइट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 384 आ जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि जो वो कैन बी सीटेड हो सकते हैं वो हमारे पास 384 वे, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका 7 MCQs था। इसके बाद हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। MCQs क्या है स्टूडेंट हमारे पास, एनी 2 conjugates सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी आर, पहला हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट, दूसरा क्या है सिमिलर, सी क्या है हमारे पास आइसोमॉर्फी, डी नन ऑफ दीज। हमारे पास 2 conjugate सब ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट है कि 2 conjugate सब ग्रुप जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, सी, इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास 8 MCQs था। इसके बाद हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट MCQs क्या है हमारे पास स्टूडेंट, एन जेड इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड ऑफ रिंग जेड इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, नन ऑफ दिस। हमारे पास एन जेड जो है वो मैक्सिमल आइडियल होगा जब हमारे पास एन क्या हो, प्राइम हो। इट मीन्स दैट हमारे पास पी जेड जो है ये क्या होते हैं, मैक्सिमल आइडियल होते हैं, मैक्सिमल, ये हमारे पास क्या होते हैं, मैक्सिमल आइडियल होते हैं किसके, जेड के, राइट। यानी पी जेड जो है मैक्सिमम, इट मीन्स दैट जब हमारे पास एन प्राइम होगा तो देन हमारे पास ये क्या होगी, पी जेड हो जाएगा। पी जेड जो होते हैं वो हमारे पास मैक्सिमल आइडियल होते हैं किसके, जेड के। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ए है स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास 9 MCQs था। इसके बाद हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट MCQs क्या है हमारे पास स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज साइक्लिक, पहला हमारे पास क्या है Z2 × Z4, उसके बाद बी क्या है हमारे पास Z2 × Z6, सी क्या है हमारे पास Z3 × Z4 और डी क्या है हमारे पास Z3 × Z6। ये हमारे पास ग्रुप दिए गए हैं, इसमें हमने बताना है कौन सा ग्रुप जो है हमारे पास साइक्लिक होगा। जब हम स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो ग्रुप होता है वो Zn × Zm इज साइक्लिक, ये साइक्लिक होता है इफ एंड ओनली इफ GCD (m, n = 1, राइट। यानी कि ये हमारे पास, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Zn × Zm, ये आइसोमॉर्फिक होगा Zmn के, राइट। कब होगा, जब हमारे पास GCD जो है इसका, GCD m, n = 1, जब इनका GCD जो है वो क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास 3 और 4 का ही GCD हमारे पास 1 आ रहा है। इट मीन्स दैट कि ये जो हमारे पास ग्रुप दिया गया है ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, राइट। सिर्फ सी ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन है क्योंकि 3 और 4 का जो GCD है वो 1 है। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने 10 important MCQs को डिस्कस किया। इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है,
तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम पीपीएससी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकन।